जब भी बरसात का मौसम शुरू होता है तो पूरे पंजाब में बाढ़ का खतरा मंडराना शुरू हो जाता है। जिला पठानकोट के भी 500 के करीब गांव हर साल बाढ़ के चपेट में आते हैं। बाढ़ के कारण गांव वालों को नुकसान ना हो, इसके लिए बरसात को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से पठानकोट के नहरी विभाग द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है। बाढ़ जैसी आफत से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से विशेष प्रबंधों का दावा किया जा रहा है। वही डिप्टी कमिश्नर रामवीर ने बताया कि बाढ़ को ध्यान में रखते हुए बाढ़ कंट्रोल रूम बनाए गए हैं तथा पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं तथा साथ ही अफसरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। मानसून सीजन के दौरान जो भी एडवांस वार्निंग सिस्टम है तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा एज पर रिक्वायरमेंट बिकॉज ऑफ प्रीवियस इंसीडेंट्स जोड़ा भी चाहिए होंगे वो असी इन प्लेस किया हुआ है। सारे ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई हुई है बाई रोटेशन 24/7 फ्लड कंट्रोल रूम भी चलता है तो जोड़ा इरीगेशन डिपार्टमेंट ने भी आपके उन्हों का जो एडवांस वार्निंग सिस्टम है वो ओपरेशनल हैगा तो सारे ही सीआरओज़ नू छुट्टी दी मनाई है तो बाकी जो ऑफिसर्स है इरीगेशन के ड्रेनेज के उन्होंने ऑफिसर्स की भी 24/7 ड्यूटी लगी है तो सारे ही पठानकोट वासियों असी अपील करते हैं कि उन्हों को भी जो कोई ये बारे सूचना मिलती है तो वह प्रशासन नाल सहयोग करन ते उन्होंने सहयोग के नाल असी सारा ही काम प्रॉपरली पूरा कर। देखो जी साड़ी सरकार तो आम जनता की सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आई है, जिस दिन तो जो सरकार आई दी है बिल्कुल दुरुस्त चलता पाया। बारिश अपने टाइम की हो रही है, फसल अपने टाइम की लग रही है। ये रह गई फ्लड कंट्रोल की गल, जो फ्लड आ रहे हैं ये कुदरती मार है, पर उन्होंने कंट्रोल करने वास्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह की नीति जी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपने इलाके की गल कर सकना, मेरे इलाके जो करेट पैनी है ये वैसे 71 साल हो गया करेट ही पई आ रहा, तो रुढ़ी आ रहा, पई आ रहा, रुढ़ी आ रहा, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के मैं भी निभा हूँ। भोए के करेट पैन गए तो रुड़न गए नहीं, ये मेरी गरंटी है। और जी रब मार होनी है वो तो एक आम जनता की जां आम बंदे के वास्ती गल नहीं, वो तो मालिक के हाथ गल है, पर फिर भी जेडे सरकारां दे प्रबंध होने चाहिए ने वो मेरी सरकार जी है, तुहाडी सरकार जी है, जनता की सरकार बिल्कुल अपने किए हुए वादे उत्ते खरी उतरती पई। अज 71 साल हो गया हिंदुस्तान आजाद हो, अज तक हिंदुस्तान दी ना गलियां बनियां ना नालियां बनियां, जिथे भी फ्लड पैंदा ना उत्थे करेट पैंदे है। मैं जो रेड किया कागजां च करेट पैंदे है, प्रैक्टिकल च करेट ही पैंदे, पर हुण इह भुल जाण। मैनू किसी होर कुआंसी चों सीधा लैणा देणा नहीं, मैनू अपनी कुआंसी चों सीधा लैणा देणा, हुण कागजां च करेट नहीं पैणगी, हुण प्रैक्टिकल च करेट पैणगी। लगा रहे बिल्कुल सच है, जिहड़ी गल सच्चाई है उह सच्चाई है। तुसी मैनू दसो जिहड़े करेट पैंदा करेट दे विच 5 किलो तो लैके तो 20 किलो तक का पत्थर पैंदा है। मैं ड्रेन का जिहड़ा भी बंदा मैं पुछदा तू पत्थर सुट तो रुड़ के दस, फिर तो जाली दे विच वज्जा हुंदा उह किदां रुड़दा है। नहीं हमारे ध्यान में बात है, इसलिए इरीगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी हैं जो मेन रिटेनिंग वॉल्स या वो प्रोटेक्शन वॉल्स देनी होती हैं वो हम उसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। हमारा एक एक जो एफर्ट है वो गवर्नमेंट का इसमें है कि किसी भी गरीब आदमी का एक भी मरला पानी में ना बहे और उसको प्रोटेक्ट करते, उसी की बात नहीं है, उनकी लाइफ भी सिक्योरिटी भी हमारी जिम्मेवारी है। तो ऊपर रह रहे होते हैं, नीचे पानी रात को सोए हों, तो उस चीज़ का हम खास ध्यान रख रहे हैं। और यहाँ आकर ये एक फ़ायदा हुआ है, दो फैमिलीज़ मेरे पास आई थी उनका मैंने लिख लिया है, वो मेरे को लिखवा कर गए हैं कि हमारे रिटेनिंग वॉल की बहुत ज़रूरत है, तो मैं प्रायोरिटी बेसिस पे वो काम पहले कराऊंगा ताकि वो डैमेज ना हो सके। जागती लड़के लिए पठानकोट से लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट।